मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए आज सोमवार सुबह शहर के पोलो ग्राउंड पर स्वीप कार्यक्रम के तहत मानव श्रृंखला बनाई गई। इस कार्यक्रम अधिकारी कर्मचारी सैकड़ों महिला और पुरुषों सहित युवाओं ने मानव श्रृंखला बनाई। मतदान के लिए जागरूक करने बनाई गई मानव श्रृंखला में ऐसे युवा भी पहुंचे जो पहली बार मतदान करने वाले हैं। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मत के प्रयोग और वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत कई गतिविधियां जिले भर आयोजित हो रही हैं। इस क्रम में सोमवार 22 अप्रैल को पोलो ग्राउंड पर स्वीप गतिविधि का आयोजन होगा, जिसमें सुबह 7 बजे पोलो ग्राउंड पर मतदाताओं ने एकत्रित होकर विशाल मानव श्रृंखला बनाई। इस दौरान कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस मानव श्रृंखला के माध्यम से मतदाताओं को लोकसभा निर्वाचन 2024 में अपना वोट डालने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव पहले वोट के प्रयोग के लिए जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, परिणाम स्वरूप विधानसभा चुनाव में हुए मतदान के प्रतिशत में इजाफा हुआ था। कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, आज मानव श्रृंखला थी, किस तरह का उद्देश्य देना चाहते हैं सर? देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले विधानसभा में आपने देखा होगा, सारे शिवपुरी की सभी पांचों जो विधानसभा थे उसमें जो हमारा पोलिंग परसेंटेज था वो बढ़ा था, और नगर ने सबसे ज्यादा शिवपुरी में ही 5% से ज़्यादा का इजाफा हुआ था। तो उसी उद्देश्य से इस बार भी हम लोग लोकसभा में भी, जो हमारे स्वीप के नोडल अधिकारी हैं सीओ जी पंचायत उपराव जी, उनके नेतृत्व में और सभी विभागों के जो के साथ समन्वय करते हुए हम यह मैसेज लोगों को यही देना चाह रहे हैं कि आप जरूर घर से निकलिए, मतदान करने आना ही है, अधिकाधिक हम लोग मतदान करें, 100% मतदान का लक्ष्य। समय थोड़ा सा गर्मी का चूँकि समय रहेगा तो सुबह शाम दोपहर जो भी हमारी व्यवस्थाएं भी रहेंगी, हम सबसे यही आग्रह करते हैं कि मतदान। अभी 5 लोकसभा सीटों पर जो अपने मध्य प्रदेश की 6 थी वहाँ कम वोटिंग हुई है, तो उससे लेकर के कुछ अगला स्टेप रहेगा क्या अपने यहाँ? देखिए, इसीलिए तो आज का भी आयोजन था। आज के भी आयोजन के पीछे यही है कि जैसे चर्चा होती है, लोगों के घरों में बात होने लगे तो लोग निकलते हैं, और इसका हमने पिछली बार देखा ही है, उसी तरह से इस बार भी उम्मीद है कि हम और आप सबके मदद से हम लोगों तक यह पहुंचाएं कि वो जरूर मतदान के लिए बाहर निकलें। थैंक यू।